हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, गाइस आज सुबह से ब्लॉग नहीं बनाता। ठीक है, तबीयत खराब नहीं थी गाइस। आज हम लोग कहीं गए थे घूमने। ऐसे चिमकांडे भी रुके हुए आज। गाइस ये ब्लॉग हम रात को स्टार्ट कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं 9:43। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज मेरा कल का ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, लेकिन अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और गाइज ये देखो, कल ना हमारे साथ दीदी यहीं रुकी हुई थी और अद्दू भी यहीं रुकी हुई थी, तो हमने पूरी रात इंजॉय करा, तो मुझे भी थोड़ी अच्छा लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह सुबह दोनों बाबू ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अद्दू खा रही है हमारी आलू का पराठा, ये देखो आलू का पराठा और साथ में सॉस, आलू के पराठे, केचप से पराठे खा रहे हो। और वो देखो बाबू पी रहे दूध। गुड मॉर्निंग। और गाइस आज तो सुबह सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, धूप नहीं निकल रही और ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। और बुआ यहाँ पर किचन में हमारे लिए बना रही हैं सबके लिए चाय। आज तो एक जना और एक्स्ट्रा है, दीदी पराठे बना दिए, पराठे बना दिए वो अंदर रखे है गर्मा गर्म आलू के, अचार है, चटनी मंगाई है, बस चाय रह गई है, फिर सब एक साथ बैठ के चाय पियेंगे। दाल चावल, दाल चावल, चलो बढ़िया है। नाश्ते में थोड़ा हैवी हो जाता है, फिर लंच में थोड़ा हल्का, सही है। सब लोग ना चावल जरूर मांगते हैं। हाँ, तो आज मैं दाल चावल बनाऊंगी, अरहर की दाल बनानी है आज मेरे को, अरहर की दाल, सही है। सुबह सुबह मम्मी अम्मा और अद्दू बाहर घूम रहे हैं क्योंकि मौसम बढ़िया हो रहा है। हाँ भाई, सुबह सुबह बाहर घूम रहे हो? अद्दू को चाहिए वहाँ रोड पे सवारी। कहाँ पे जाना है? रोड पे, रोड पे बाय करना, गाड़ियों को बाय करना है। करने जा रही है, बोल दो बाय। बाय गाइस, सुबह सुबह देखो सब ग्राउंड में आ गए हैं बाबू को लेके, और मम्मी और अम्मा भी आ गए हैं और सुबह सुबह यहीं पे खेल रहे हैं। अद्दू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और उस वाले घर पे रोती है ये। और वो देखो बाबू को, दीदी चलो चाय बनते हैं। चलो चलो चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, ये तो हम बाहर से आए हैं खेल के। जमीन अच्छी लगती, पलंग अच्छा नहीं लगता। जमीन पर सब बैठ गए, पलंग खाली पड़ा। बुआ वहाँ हम मधुमक्खी की तरह पलंग मैंने छोड़ा बच्चों के लिए खाली, ताकि बच्चे बैठे, मैं नीचे था ये सब, लेकिन हम सब नीचे ही बैठ गए। तो चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में बुआ ने आलू के पराठे बनाए मोटे मोटे और गर्मा गर्म चाय। तो हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और गाइस आज ना बाबू के बाल कटिंग होगी, तो ये देखो हमने ना नाई घर पर ही बुलाया है, तो अभी वो मशीन लेने गए हैं ट्रिमर, तो आज बाबू के ना न्यू हेयर स्टाइल कट बन जाएगा। गोदी में रहता वो, देख तो हंस रहा है, अब तो हंस रहा है। गाइस फाइनली बाबू की कटिंग हो गई है, और ये देखो कितनी सुंदर सी कटिंग करवाई है। बाबू के ना बाल बहुत ज्यादा बड़े हो रहे थे, तो आज कटवाई दिया। और भाई हम सब तो नहा धोकर फ्री हो गए हैं, बस बाबू इन दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। देखो भाई फाइट होती रहती है इन दोनों की, देख। और प्राची भी स्कूल से आ गई है। आज कैसा रहा दिन भाई? बहुत बारिश, खाली ऐसी बैठी रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा बारिश के मारे टीचर नहीं आ पा रही ना जा पा रही, ग्राउंड में पानी भर गया होगा बहुत ज्यादा, घुटने तक बहुत, यहाँ गली में भी भर गया था थोड़ा सा। गाइस अब हम कराने वाले प्राची वर्सेस वंश के बीच गोलगप्पे चैलेंज, 1 मिनट में 10 गोलगप्पे फिनिश करने हैं इन दोनों को। दोनों रेडी हो? हाँ चलो। तो ये रहेंगे गोलगप्पे, ये वंश के, और ये आलू भी दिए हैं, अगर तुम्हें आलू साथ में लगा के खाना है तो खा सकते हो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है।
क्या? मैं प्राची की टीम में हूँ। ठीक है, मम्मी कह रही थी मैं जीत सकती हूँ। क्या मम्मी? गोलगप्पों में सिर्फ मैं ही जीत सकती हूँ, इनका मुझे वो नहीं है जो जीत जाए। इनका नहीं लगता? नहीं, मैं जीत सकती हूँ। लेकिन तो इनको एक मिनट में 10 गोलगप्पे फिनिश करने हैं, तो दोनों रेडी हो? हाँ। चलो स्टार्ट, रुको स्टार्ट। नो ये क्या हो गया? बंश 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 दिखाओ, बस टाइम अप हो गया। वंश दिखा, दिखा प्राची। प्राची ने खा लिया, टाइम अप हो गया है और बच्चे दोनों के बराबर हैं। वंश के भी 2 बच्चे हैं और प्राची के भी 2 बच्चे हैं, लेकिन प्राची ने जो मुंह में था ना उनने फिनिश कर लिया है। कोई नहीं जीता, प्राची जीत गई। मेरे चक्कर के देखता चीज करे क्या? नहीं, खा लेती मैं। मम्मी 10 गोलगप्पे खाने थे एक मिनट में। हाँ, मैं खा लेती है। चलो अगली बार मम्मी का कराएंगे। और प्राची यहाँ पे जीत चुकी है वंश से। तो बाहर बैठ के शाम की चाय चल रही है, ये देखो। और चाय के साथ चल रहे हैं साथ में छोटे वाले, क्या बोलते हैं, समोसे और चाय और नमकीन। अच्छा, ओ भाई अद्दू परेशान कर रही है, तो अद्दू के नानू लेकर जा रहे घुमाने के लिए। और मेरी जोड़ी यहाँ बैठी है, बाकी सारे अंदर हैं। हाँ, और हमारी चाची बना रही है। वो देखो भाई, सारे अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं और यहाँ पर हम मैं दीदी और बुआ चाय पी रहे हैं और मम्मी बना रही है खाना। मम्मी आज क्या बना रही हो खाने में? सोयाबीन की बड़ी और आलू। मेरी तो जुबान भी लड़खड़ा जाती है। तो अभी यहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है। हाँ। लेकिन मम्मी आलू बड़ी में ना छोटी वाली बड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। ये वाली भी अच्छी, पापा लाए थे। ये बड़ी है। अम्मा ने तो अपनी चाय फिनिश कर ली है और यहाँ पर अभी तक चाय चल रही है। अभी तक चाय चल रही है इनकी। हाँ, छोड़े मेरे लिए सिर्फ एक ही छोड़ा है। यू कह रहे 2 खाए, ये 2 थे, ये 2 थे, 2 थे। ये उंगली गिनना पहले अपनी। उंगली गिनो कितनी है? 3 है, 3 खाए हैं। है दीदी, अगर चाय समोसा पर एक शायरी हो जाए तो मजा आ जाएगा। पहले मेरी बात का जवाब दे, बुआ जैसे बंदे फंसते नहीं है। हाँ फंसते हैं। बुआ ने तो 2 खाए हैं। 2 खाए हैं, 3। मैं खुद अपनी उंगली देख रही हूं। चाय के ऊपर एक शायरी सुना दो। चाय के ऊपर? हाँ, चाय के ऊपर क्या सुनूं? बुआ को आती है, बुआ सुना दो। शायद मेरी शादी का बहाना है, इसीलिए प्यार से बुलाया है। क्या? शायद मेरी शादी का इरादा है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे प्यार से बुलाया, चाय पे बुलाया। चाचा कह रहे हैं तुम्हारी शादी करेगी क्या अम्मा? चाय पे बुलाया, चाय पे बुलाया। पापा कह रहे दोबारा शादी करनी है क्या? इसलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। कप के अंदर चाय। हाँ। प्लेट में रखा कप, कप के अंदर चाय। संजू और प्राची रोज सोचती है काजल कब जाए, काजल कब जाए। बढ़िया शायरी। हाँ। इतनी बढ़िया शायरी। हाँ। ये मैंने अभी बैठे बैठे बनाई है, जो तुम हरकतें करते हो काजल के संग वो देख के बनाई है। तो
हम सब ने चाय भी पी ली और अम्मा ने इतना अच्छा गाना सुनाया, मन खुश हो गया। और भाई बहुत हंसी मजाक कर रहे थे हम, क्योंकि बाहर बैठ के ही चाय पी रहे थे ना, तो दीदी भी बहुत हंसी दिला रही थी और बुआ भी। और लास्ट पे क्या हुआ, अम्मा और बुआ की ना फाइट हो गई एक जगह ही बैठने के पीछे। अम्मा भी वहीं घुसरी और बुआ भी वहीं घुसरी, तो दीदी ने ना एक शायरी बना ली थी वहीं बैठे बैठे। सुनाना। भूल गई हाँ, दीदी भूल गई है। तो गाइस अब डिनर का टाइम हो चुका है, तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सुनाओ बताओ। ऐसी थी चाय में चीनी हो गई लाइट, बैठने के ऊपर हो गई फाइट, अम्मा की फाइट। तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।